तो भैया लोग अभी रूम में ही सनी, तू चाचा के साथ जाएगी? जाएगी? चल जा फिर, तू चाचू के साथ चली जा। रावि चाचा से किसी की दोस्ती नहीं होती, सिर्फ भाभी और भाभी की हुई है वैसे ना। हाँ तो अभी तक का तो आपकी गोद में नहीं आई वो? और आ गई था। लो। बाय सनी। सनी बाय कहते बाय। वो इतने अच्छे से बाय हाय करती है। रचना ने पहले ही बोल दिया था वहां ठंड है। इधर बहुत ज्यादा ठंड है। वो इधर का झाड़ पेड़ भी है ना नीलों में ज्यादा, उसके कारण और वो है। आना मामी जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज देखिए मेरे बालों में है ना, मुझे मतलब बहुत लाइट कलर करना था, तो मैंने है ना हाईलाइट करने के चक्कर में इतना डार्क कलर हो गया मुझसे। तो कल फिर है ना मामा मामी जी लोग आए थे और फिर हम लोग ने मतलब खूब इन्जॉय किया और सब भैया लोग ने और हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया। मेरे बाल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया ना, इसको देखती हूँ कल क्या करना है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है ना, मुझे खुद को शर्म आ रही है, मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही, मुंह दिखाने लायक नहीं रही मैं। तो फिर हम लोग ने खूब इन्जॉय किया और सब खाया पिया और मुझे रात के 11 बज गई थी मेरे रूम में जाने में, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और आजकल तो मेरा मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, व्लॉग मेरा दिन से और सुबह से स्टार्ट ही नहीं होता है, हमेशा नाइट से स्टार्ट होता है। और अभी मुझे बनाना है खाना, तो देखती हूँ। एक तो रोज़ टेंशन हो जाता है खाना क्या बनाए क्या बनाए, कुछ समझ में ही नहीं आता कि खाना क्या बनाए, रोज़ रोज़ एक ही चीज़ की खाना क्या बनाए, सुबह भी वही शाम को भी वही। तो अभी पता है मैं ऊपर तक नहीं गई हूँ क्योंकि मैं बना रही थी पपड़ी, और मतलब मैंने कुछ बेसन की बच गई थी ना, तो ऊपर की किसी ने लाइट चालू कर दी, वही मैं देख रही थी कि लाइट चालू है कि नहीं। और ये देखिए बाहर पूरा अंधेरा भी हो गया है, तो बस अब फटाफट से खाना बना लूँगी, 7 बज रहा है और ये भी आने वाले हैं, तो खाना बनाती हूँ। एक तो ना सही में मेरा माइंड बहुत वो हो जाता है, रोज़ रोज़ सब्जी वाला है ना आता है, तो मुझे है ना क्या होता है, जब समझ में नहीं आता कि सब्ज़ी क्या ले, और जब वो चला जाता है, जब याद आती कि ले लूँ। सुबह भी यही होता है मेरे साथ कि बच्चों को टिफ़िन देने के लिए सोचती रहती हूँ कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, और बस। तो मैं बाल खोल के देख रही हूँ और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि ये कलर अच्छा लग रहा है कि नहीं। वैसे अगर मैं शायद मेकअप करूँ तो जब ज़्यादा अच्छा लगे, तो आप लोग ज़रूर बताना कि ये कलर अच्छा लग रहा है कि नहीं, और अगर नहीं लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसको फिर मैं क्या करूँगी ब्लैक कलर कर लूँगी। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया मेरे को, मेरे हस्बैंड जी ने तो कुछ नहीं बोला है और वो बोलेंगे चलो ठीक लग रहा है, पर आप लोग ज़रूर बताना क्योंकि मुझे
कुछ कुछ डाउट हो रहा है। दीदी को भी मैंने दिखाया था तो वो भी बोले कि मुझे तो ठीक लग रहा है, बस जब तू मेकअप करेगी जब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक का है। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर आप न्यू हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।